हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडिशन के फिजिकल भी स्टार्ट होंगे और फिजिकल पास भी करेंगे, रिटर्न भी होंगे, रिटर्न भी पास करेंगे और ज्वाइनिंग भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि आपका ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली एक वीडियो आता है, जिसके अंदर बताया जाता है भाई आज किस राज्य का कौन कौन से सेंटर फिजिकल होने वाला है। सेंटर की पूरी अपडेट दी जाती है, हर एक राज्य का अपडेट यहाँ पर दे रहा हूँ। तो बताना चाहता हूँ, यदि आप बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के स्टूडेंट हो तो आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर भर्ती की डिटेल में नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है, बिल्कुल शॉर्ट रूप से, एकदम से शॉर्ट रूप से आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। बात करते हैं, आज हम कौन कौन से राज्य की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके वेस्ट बंगाल एंड आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब आपका पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, आपका वेस्ट मंगोलिया मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपका बात करते हैं, यहाँ पर दो जगह आपका फिजिकल होता है, ध्यान रखना दो जगह आपका फिजिकल कौन कौन सी जगह होता है। एक तो होता है आपको कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, एक कहाँ पर होता है भाई, एक होता है आपको कल्याणी, कहाँ होता है, कल्याणी। ये दोनों जगह आपके फिजिकल सेंटर पड़ते हैं, इन दो राज्यों के दोनों जगह फिजिकल सेंटर पड़ते हैं। देखो बात करेंगे दोनों राज्यों की, आपका सबसे पहले कोलकाता की बात करते हैं, तीन राउंड आपके इसके अंदर होते हैं, तीन राउंड आपके करवाए जाते हैं, 100 से लेकर 120 तक का बेच बनाया जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर लगभग दो या तीन बेच के लगभग ही बनते हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा कंटेंट नहीं आते, यहाँ बहुत ही कम कंटेंट पहुंचते हैं यहाँ पर, क्योंकि उधर यार बता दो आपको, जो ये है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत कम फॉर्म अप्लाई होते हैं, और जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया और फिजिकल कर लिया उसकी नौकरी 100% होती है, यदि वो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जाता है तो, मतलब आपका यहाँ पर 35 नंबर भी उसके आ जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है यार, यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर बता दू, मेरे दोस्त यहाँ पर जो रहते हैं ना, वो नौकरी को इतना तजुर्बा रह देते हैं, पर यहाँ पर देखो हम तो यहाँ से फॉर्म भर नहीं सकते, फिर भी यहाँ पर देखो बेच इतने का बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल वाले बच्चे ना वो चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल वालों को यहाँ पर दे दिया जाता है सेंटर, ठीक है। तीन राउंड आपका होता है, रोड पर आपकी दौड़ होती है मेरे दोस्त, ध्यान रखना रोड पर आपकी दौड़ होती है, और दौड़ कहाँ पर होती है, जैसे आपको एक गाँव में ले जाया जाएगा ट्रक के, मतलब वहां पर आपको ऐसी रोड है भाई, ऐसी आपकी डबल रोड होती है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से आओ और इधर से वापस जाओ, इधर से आओ इधर से वापस जाओ, इस तरीके से आपको तीन राउंड लगाने होते हैं और तीन फाइनल राउंड वहां पर हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी दौड़ होती है। जैसे हमारी यहाँ पर कोल फैक्ट्री में नहीं होती क्या, सीआईएसएफ ग्राउंड कोल फैक्ट्री में नहीं है क्या, ऐसा सीजीडी की दौड़ हुई थी, इस प्रकार से आपकी दौड़ होती है, देख लेना मेरे दोस्त वीडियो डाला हुआ है मेरा, कि आपका कोल फैक्ट्री की दौड़ किस प्रकार से होती है, वो डिटेल में वीडियो डाल रखा है, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं कल्याणी की, तो कल्याणी में यहाँ पर भाई आपका केवल दो राउंड होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर 2.5 किलोमीटर का एक राउंड है, जाओ और वापस आओ, इतना काम है बस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, टोकन सिस्टम है, आपको टोकन लेकर आना ही होगा, यदि आप टोकन लेकर नहीं आते तो यहाँ पर आप फेल माने जाते हो, जाकर आने से कुछ नहीं होता, आपको जाना है, टोकन हाथ में लेना है, वापस आ जाना है, इस तरीके से यहाँ पर दौड़ होती है कल्याणी के अंदर, ध्यान रखना कल्याणी में बहुत अच्छा ग्राउंड है, रोड के ऊपर आपकी ग्राउंड में दौड़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना टोकन सिस्टम यहाँ पर रहता है, बेसब पोस्टेबल ट्रेड्समैन टोकन सिस्टम आपको रह देना। बाकी मैं बता दूं आपको कि आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडिशन का फिजिकल की मैं बात करूं, तो भाई बहुत जल्द आपको फिजिकल स्टार्ट होने वाला, जैसे होगा आपका भाई अपडेट दे देगा और प्रत्येक ग्राउंड की लाइव रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड करा देगा, भाई किस ग्राउंड में क्या हो रहा, क्या कुछ रहा, सब कुछ आपको डिटेल में बताएगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे जब हमारे फिजिकल हो जाएंगे, तो ठीक है ना मेरे दोस्त, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।